आज खुशी का दिन है आया, निकला मुहूर्त चंगा भाई, आज की ये लास्ट क्लास है, आज पढ़ लो अनुपात समानुपात का लास्ट चैप्टर, बस आज खत्म, ये क्लास और पढ़ लो। अब आप सोच रहे होंगे, घबरा गए होंगे कि भाई कितना लंबा चैप्टर चलेगा, भाई कितना लंबा चैप्टर की बात नहीं है, पूरे सवाल करवाए तुम्हारे भाई ने, आज के सवाल और देख लो, आज के जो हमारे कुछ सवाल है, दो तीन सवाल में सिक्के और सिक्कों की संख्या, सिक्कों के अनुपात वाले कराऊंगा, उसके अलावा दो तीन कुछ रेलगाड़ी के है वो कराऊंगा, तो ध्यान से देखना, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भाई कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों, 378 सिक्कों का मूल्य है। क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के हमारे पास कुल कितने सिक्के हैं, 378 सिक्के हैं, 378 सिक्के उन्होंने दिए हुए हैं, इनका जो मूल्य का अनुपात है भाई, मूल्य का अनुपात है 13:11:7 दिया हुआ है, तो हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है भाई, एक बात समझ लो यहाँ पर भाई, 1 रुपया है तो 1 रुपये के कितने सिक्के रहेंगे, 1 रुपये का एक सिक्का रहेगा, मतलब एक सिक्के में ये 1 रुपया बन जाएगा नहीं बन जाएगा भाई, अगर 50 पैसे हैं तो 2 सिक्के में 1 रुपया बनेगा, हम यहाँ पर रुपये काउंट करेंगे, रुपये पैसे काउंट नहीं करेंगे, पैसे से हम नहीं चल रहे, जो मिनिमम वैल्यू है वो रुपये है तो रुपये से ही चलेंगे, ठीक है। तीसरा यहाँ पर है 25 पैसे, तो 25 पैसे के भाई 50 पैसे के कितने, 2 सिक्के और 25 पैसे के कितने सिक्के, 4 सिक्के लेने पड़ेंगे तब हमारा 1 रुपया बनेगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास 1 रुपया 1 रुपया और 1 रुपया है ना, यानी कि 3 रुपये है अलग अलग, और हमें निकालना है इनके सिक्के, तो अगर 1 रुपये के सिक्के हमें निकालना, 50 पैसे के कितने सिक्के रहेंगे भाई, 2 का भाग देंगे, तभी हमें 1/2 यानी कि इसमें सॉरी 2 का इंटू करेंगे, इसमें 2 का क्या करेंगे इंटू करेंगे, तो हमें 2 सिक्के पता चल जाएंगे कि इसमें 2 सिक्के होते हैं, और इसमें किसका 4 का इंटू करेंगे तब हमें पता चलेगा कि 4 सिक्के होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे तो हमें रुपये पता चलेगा, इसमें 4 का भाग देंगे तो हमें रुपये पता चलेंगे। तो अब हमारे पास देखो, ये इसको मिटा देते हैं, है ना, ये हमें अड़चन देगा बीच में, सिर्फ हमें, मैंने आपको देखो, नॉलेज सबको है, पता सबको है, लेकिन फिर भी ये चीजें भूल जाते हैं हम, सिक्कों के क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आती है, समझ लो भाई, यहां समझ लो, है ना। 13:11:7 के अनुपात में इनका मूल्य है कि अगर 50 सिक्के हैं तो यहाँ पर 50 रुपये, ठीक है, 20 सिक्के हैं किसके, 50 पैसे के, तो 10 रुपये, है ना, यहाँ पर जो अनुपात है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पर माना कि यहाँ पर 13 सिक्के, इसके 13 सिक्के है ना, कितने रुपये हैं भाई, एक्स का इंटू किया ना, अनुपात निकला है, एक्स का इंटू किया, यहाँ पर 11x का इंटू, यहाँ पर भी एक्स का इंटू, ये पता नहीं भाई 26, 22, 14 है कि ये 39, 33, 21 है, हमें नहीं पता, क्योंकि इसमें x का गुणा हुआ है, तो इतने रुपये हो गए, कितने, इतने तो रुपये हो गए ये, है ना। अब हमें सिक्कों की संख्या, टोटल सिक्कों की संख्या दी हुई है, तो भाई अगर 1 रुपये के सिक्के 13x हैं तो कितने सिक्के रहेंगे भाई, 13x रुपये हमारे पास, तो 13x × 1 कर देंगे, कितने सिक्के रहेंगे, 50 पैसे के कितने रुपए हमारे पास, 11x रुपये हैं, तो सिक्के कितने रहेंगे भाई, इंटू 50 कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे, रुपये बनाने हैं हमें, इनके सिक्के बनाने हैं, माना कि ये 22 रुपये, तो इसमें 2 का इंटू करेंगे तो 44 सिक्के रहेंगे, तभी तो 22 रुपये आएंगे भाई, यहाँ पर 7x × 4 करेंगे तभी तो हमें सिक्कों की संख्या पता चलेगी भाई, यहाँ पर 14 रुपये तो 14 × 56, या फिर 7 रुपये तो 28 सिक्के रहेंगे तभी तो 7 रुपये आएंगे, तो बराबर क्या होगा, 378 सिक्के जो कि हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो यहाँ पर इनका सबका अगर जोड़ करेंगे तो 13x × 11 = 22x, इसको डायरेक्ट 22x प्लस का 28x, है ना, और ये हो गया 13x, है ना, जोड़ेंगे तो 22, 13 और 28 को जोड़ लेंगे तो 8, 2, 10 और 3 13 हो गया, 3 हासिल आया, 1, 2, 3, 4, 1, 5 और 1, 6 हो गया,
63 बराबर 378, 63x बराबर 378 और इसमें देंगे 63 का भाग तो कितना होगा 6 6 36, 6 बार जाएगा बराबर 6 आ गया भाई। x का मान हमारा 6 आ गया तो अब आपको रुपये पता चल जाएंगे कि भाई रुपये कितने हैं। तो ये 63 कितने हो गए, ये 63 x का मान आया भाई, x का मान आया हमारे पास। तो यहाँ पर हमें सिक्के और रुपये सब पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर 11 × 6 66 रुपये हैं ये, है ना। हमें क्या ज्ञात करना भाई, हमें ज्ञात करना 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 66 रुपये तो भाई 2 का इंटू कर देंगे तो 66 × 2 बराबर 132 सिक्के रहेंगे। कितने रहेंगे 132 सिक्के, तो इसके रहेंगे इसके 50 पैसे के। यहां पर सचिन, सचिन कितना हो गया, सचिन हो गया 42 × 4 करेंगे तो किसके सिक्के आ जाएंगे 25 पैसे के। हमें निकालना किसका, 50 पैसे का, हमने निकाल लिया, हमारा काम निकल गया, इसके बाद का हमारा काम नहीं बचा। तो यहां पर इसका आंसर आ गया 132 सिक्के। अगला क्वेश्चन भी सिक्कों का ही है भाई, बहुत ध्यान से देखना। इस चैप्टर में आपको मैं 3 क्वेश्चन सिक्कों के कराऊंगा, कितने 3, नहीं आपने गलत सुना भाई, 2 कराऊंगा, 1 आपको करना भाई। आप ऐसे वेले ही बैठे रहोगे, वेले ही बैठे रहोगे, ऐसे ही बैठे रहोगे भाई, है ना। आपको ऐसे ही नहीं बैठना भाई, प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें कुछ डिफरेंट है ना, क्या डिफरेंट है तुम्हारा भाई बताएगा। एक थैली में 1 रुपये है ना, 50 पैसे और 25 पैसे है ना, के कुछ सिक्के हैं, के कुछ सिक्के हैं। तो 50 पैसों की जो संख्या है वो 25 पैसे की संख्या की दुगनी है, 25 पैसे की संख्या का ये दुगना है और 1 रुपए के सिक्कों का 4 गुना है। तो 1 रुपए के सिक्के माना x है तो ये कितने होंगे, नहीं नहीं, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगना और 1 रुपए की संख्या से 4 गुना है, तो 1 रुपए की संख्या से 4 गुना हो गया तो इसका आधा ये है, तो ये 2x रहेगा। इसका दुगना है और इसका 4 गुना है ना, निकाल लिया हमने। अब हमसे क्या बोला है कि इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपए, भाई इनका कुल मूल्य 56 रुपये है और ये जो अनुपात है ये सिक्कों की संख्या दी हुई है, ये सिक्कों की संख्या दी है ना, ये सिक्कों की संख्या, तो इनको ही हम अनुपात मान लेंगे, इनको ही क्या मान लेंगे, अनुपात मान लेंगे। चाहे तो अगर अनुपात नहीं भी मानो तो अनुपात मत मानो, हमें 56 रुपये मिल गए। हमें कितने रुपये मिल गए, 56 रुपये मिल गए। और ये इनका क्या हो गया कि भैया अगर 1 रुपये का 1 सिक्का है तो ये 4 सिक्के रहेंगे और ये कितने रहेंगे, 2 सिक्के रहेंगे। अब देखो हमारे पास रुपये हैं तो अगर हमें सिक्के निकालने तो हम गुणा करेंगे, तो भाई अगर हमें रुपये निकालने हैं तो हम भाग नहीं दे सकते, तो x में हम 1 का भाग देंगे क्योंकि 1 रुपये का 1 ही सिक्का बनता है ना, और प्लस करेंगे और 4x बटे 2 नहीं कर देंगे हम भाई, हम भी बहुत होशियार है, हम 2 का भाग दे देंगे तो हम कैसे क्या निकाल लेंगे भाई, रुपये निकाल लेंगे। अभी हमारे पास क्या है, सिक्कों की संख्या भाई, इसके पास 4x सिक्के हैं, हमें नहीं पता कितने सिक्के भाई, 4 सिक्के माना, 4 सिक्के हैं तो हम 2 का भाग देंगे, जिसके पास रुपये कितने, 2 रुपये हैं, है ना, और प्लस का 2x सिक्के 25 पैसे के, तो भाई हम भी होशियार, हमने 4 का भाग दे दिया तो बराबर आ गया हमारा 56 रुपये। अब हमें क्या निकालना भाई, यहां से अगर गुणा भाग कर दोगे तो मान आ ही जाएगा, इसको काट दो एक बार और ये कट गया 2 बार, है ना, और इसको भी चाहो तो काट दो और चाहो तो मत काटो, हम नहीं काट रहे, हमारी मर्जी नहीं काट रहे, क्योंकि लघुत्तम लेंगे तो वैसे ही गुणा होगा, है ना। तो लघुत्तम तो आया 2 और ये 2 का इसमें गुणा किया तो 2x प्लस का 4x और प्लस का एक्स भाई एक्स, है ना, और 2 का इधर गुणा होगा तो 56 × 2 हो गया, है ना, 4x 2x और x कितना होगा 7x हो गया, और 7 का इसमें भाग दे देंगे तो x बराबर 56/7 × 2, 7 × 2 = 56, तो x बराबर आ गया 8 × 2 = 16, x का मान 16 आ गया। हमें क्या निकालना भाई कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या भाई, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, 4 × 16, तो 64 सिक्के जो है 50 पैसे के आंसर आ गया है, है ना। अब अगला क्वेश्चन और देखना भाई, आपको करना, मेरे भाई आप भी करोगे तभी तो मेरी तरह, यहाँ पर मेरी तरह नहीं, मैं कोई एक्सपर्ट थोड़ी हूं भाई,
मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई 100% नहीं हूँ, मेरे से भी तेज आप कैलकुलेशन, आप में से कुछ लोग होंगे जो मुझसे भी तेज कैलकुलेशन कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ बात सिर्फ इतनी आ जाती है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़ा नहीं सकते, बता नहीं सकते, अब उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं होगी, या फिर वो इस ये जैसे मैंने बोर्ड खरीदा, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इतना उनका बजट नहीं होगा, तो मैं एडजस्ट करके बना रहा हूँ, उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं होगी, या फिर वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे होंगे, तो मेरे से भी तेज बहुत से लोग होंगे। मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत आ गया हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भाई कौन गया यार? हाँ, ये क्वेश्चन आपको करना है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात। भाई 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्कों का अनुपात 5:6:8 है। सिक्के हैं भाई, ये सिक्के हैं। आपको यहां पर थैली में कितने रुपये दे दिए गए, थैली में 210 रुपये दे दिए गए हैं। तो आपको प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी भाई, मुझे कमेंट करके बताना है। भाई साहब आप कमेंट नहीं करते हैं ना, आप कमेंट नहीं करते, आप मुझे कमेंट करके भाई, एक मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में, इसको करोगे अगर खुद, यहाँ पर समझ में तो आ रहा हो, मैंने अभी करवाया, समझ में तो आ रहा हो भाई, जब खुद पे बीतती है ना तब पता चलता है, तो करो खुद पे बीतने दो, आप कहाँ हो लेवल पता करो। अगला क्वेश्चन देखना, इसको मिटा देते हैं, लो भाई इसको मिटा दिया है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना कि 5 केले और 4 सेब का मूल्य जो है वो 3 केले और 7 सेब के मूल्य के बराबर है, तो हमें क्या निकालना, केले और सेब का के मूल्यों का अनुपात निकालना। भाई कितने केले हैं, हमने केले 5 केले हैं, तो 5 केले यानी कि बनाना है ना, और प्लस के कितने 4 सेब यानी कि सेब मतलब एप्पल का जो मूल्य है वो भाई साहब 3 केले और 7 एप्पल के मूल्य के बराबर है, हमें इनके मूल्यों का अनुपात निकालना है। भाई बी और ए का अनुपात निकालना है, केले और सेब का अनुपात निकालना, केले सेब का, बिल्कुल सेब केले का नहीं, केले सेब का। तो यहाँ पर दोनों को अलग अलग पृथक पृथक कर लेंगे, तो ये 3 भी इधर आएगा, तो 5 में 3 भी गया तो 2 भी बचा है ना, 2 भी बचा और 4 ही उधर गया, तो 7 में 4 गया तो 3a बचा। भाई 2 इधर ले आएंगे, a को इधर ले आएंगे, तो b बटे a बराबर 3/2 आ गया, यानी कि जब हमने इनका अनुपात निकाला तो केले और एप्पल यानी कि सेब का जो अनुपात है 3:2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। भाई समझ में आ रहा हो तो तुम्हारे भाई के वीडियो को लाइक करना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई मत करो, लास्ट तक देखो और फिर यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना, तभी तो पता चलेगा मैं वीडियो डालूंगा तो आपको, है ना। अगला क्वेश्चन है कि 3 पात्रों में, भाई 1 पात्र 2 पात्र 3 पात्र इनमें इनका जो अनुपात है, 3 पात्र हमने माने ए बी सी, इनका अनुपात 3:4:5 है, यही है क्या? और इनमें दूध और पानी के मिश्रण से भरा है, तो इन 3 पात्रों से भरे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात, भाई इनमें दूध और पानी का जो अनुपात है, 3 पात्र है, इसमें दूध और पानी का अनुपात, इसमें दूध और पानी, 3 पात्रों का आयतन का अनुपात जो है, इनके आयतन का जो अनुपात है, यानी कि टोटल इनमें कितना आयतन इनका कितना है, और इनमें दूध और पानी का अनुपात अलग अलग दिया हुआ है 4:1 ए में, है ना, बी में दिया हुआ है 3:1 और सी में दिया हुआ है 5:2। इस अनुपात में दूध और पानी है, हमसे पूछा गया है 3 पात्रों के मिश्रणों को 1/4 पात्र में डाला गया है और 1/4 पात्र में दूध और पानी का अनुपात कितना रहेगा। भाई दूध और पानी, लेकिन इनका जो टोटल आयतन है उसका अनुपात भी हमें दे दिया गया है, टोटल के यहाँ पर इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि 3 पात्रों में दूध पानी का अनुपात इतना है और सारा इसमें उड़ेल दो और बताओ हमें, तब हम क्या करते, 1 इकाई मान लेते। अब हमें 3 इकाई दे दिया गया, इसका 4 इकाई, उसमें 5 इकाई दूध है, इसमें 3 लीटर दूध है, इसमें 4 लीटर दूध है, इसमें 5 लीटर मतलब टोटल मिश्रण, तो इसमें दूध और पानी ये है, इसमें 4 में से 3 1 है और ये 5 में से 5 2 है ना, समझ गए। तो अब हमें क्या करना है कि हमारे पास इकाई तो दे दी गई, तो हम यहाँ पर दूध का निकालेंगे कि टोटल दूध है ना, 4 पात्र में संपूर्ण दूध है ना, दूध की मात्रा, टोटल दूध की मात्रा कितनी रहेगी। भाई पहले में से हमने 4 लिया,
भाई ले लिया चार, किस में से, चार और एक पांच में से, वो कितना इकाई लिया भाई, तीन इकाई लिया, तो इंटू तीन कर देंगे, ठीक है। दूसरे में से हमने लिया तीन बटे चार लिया और इंटू चार कर देंगे, प्लस का यहाँ पर पांच और दो सात बटे दो लिया इंटू पांच कर दिया, पांच बटे पांच और दो सात, ये उल्टा ही लिख दिया था भाई, भाई बताते भी नहीं हो यार तुम लोग, है ना। अभी यहां पर क्या होगा, चार तिया तो बारह हो गया भाई, यहाँ चार से तो चार कट गया, है ना। अब यहाँ पर तीन बचा ओनली, इसका अगर टोटल हम निकालेंगे तो सात पांच पैंतीस हो गया, तो पैंतीस तो क्या आ गया हमारा लघुत्तम आ गया, और लघुत्तम आ गया तो हम इनका गुणा करेंगे, तो सात का गुणा होगा सिर्फ सात का गुणा चार तिया बारह बासठ चौरासी, प्लस का सत पंच पैंतीस और पैंतीस का तीन में गुणा होगा पैंतीस तिया एक सौ पांच और प्लस का पच्चम पच्चीस पंच की एक सौ पच्चीस, तो बराबर क्या होगा भाई पांच दून दस और चार कितना हो गया चौदह का चार हासिल आया कितना एक, है ना। दो आठ और दो दस, दस और एक ग्यारह का एक हासिल आया एक, एक और एक दो और एक तीन, तीन सौ चौदह बटे पैंतीस, है ना भाई। यहां अब इस आपको दिखना बंद हो गया होगा, है ना, दिख रहा नहीं, दिख रहा, दिखना बंद हो गया होगा, तो इनको मिटाएंगे हम, है ना, इनको मिटा के थोड़ा सा ऊपर लिख देंगे, इनका अनुपात क्या क्या है, चार एक तीन एक पांच दो, चार एक तीन एक और पांच दो है, ठीक है। यहां पर हम पानी का अनुपात निकालेंगे, पानी की मात्रा टोटल कितनी है, तो पानी की मात्रा क्या रहेगी दोस्तों, एक बटे पांच इंटू तीन और प्लस का एक बटे चार इंटू चार और प्लस का दो बटे सात इंटू पांच रहेगी, ठीक है। जोड़ेंगे तो यहां पर सात, चार से तो चार कट गया, सात का इसमें गुणा करेंगे, सात या इक्कीस प्लस का सात पंच पैंतीस और प्लस का पांच दून दस पंच पचास, है ना, बटे ये टोटल के आ जाएगा पैंतीस, है ना, पचास और तीस अस्सी, पांच पिचासी और इक्कीस एक सौ छह, एक सौ छह बटे पैंतीस। तो भाई हमें निकालना है चौथे पात्र में दूध और पानी का मिश्रण मात्रा, तो दूध की मात्रा ही आ गई, पानी की मात्रा ही आ गई, अनुपात निकालना है, तो तीन सौ चौदह बटे पैंतीस अनुपात एक सौ छह बटे पैंतीस, भाई ये तो कट गया, दो से काटेंगे तो तीन सौ चौदह कटेगा एक सौ सत्तावन बार, है ना, दो एकम दो, एक बचा ग्यारह, दो पंच पंद्रह, नहीं नहीं दो पंच दस और एक चौदह और दो सत चौदह, है ना। अब दो से काटेंगे तो दो पांच दस और दो तिया छह, एक सौ सत्तावन अनुपात त्रेपन, पांच तीन सात पांच ग्यारह और बारह नहीं कटेगा, तो एक सौ सत्तावन अनुपात त्रेपन हमारा आंसर आ गया, आंसर बिल्कुल राइट है भाई, है ना, क्योंकि हमने मेथड पूरी सही अपनाई है। जब आपको ऐसा बोला जाए कि आपके पास तीन पात्रों में इस अनुपात में, इस अनुपात, इस अनुपात, इस अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है, तो आपको क्या करना है, वहां पर बोला गया कि आपको चौथे पात्र में इनको उड़ेल दो, तब दूध और पानी का मिश्रण क्या होगा, तो आपको डायरेक्टली एक इकाई लेना है, जहां पर हमने तीन और चार पांच का गुणा किया अलग अलग, वहां पर आपको एक इकाई लेना। अगला क्वेश्चन देखो कि 126 प्रति किलोग्राम और 135 प्रति किलोग्राम, 126 प्रति केजी और 135 प्रति केजी, है ना, इन मूल्यों की दो चाय है, है ना, दो चाय है, उनको तीसरी चाय के साथ, इनको क्या किया, तीसरी चाय के साथ एक अनुपात दो में मिलाया है, और इस मिश्रण का मूल्य जो है 153 प्रति किलोग्राम है, 153 प्रति केजी है, तो जो तीसरे प्रकार की चाय है उसका मूल्य प्रति केजी कितना है, भाई हमें एक चाय का प्रति केजी दे दिया है, दूसरी चाय का प्रति केजी दे दिया है, और एक तीसरी चाय भी है उसका प्रति केजी नहीं दिया है हमें, है ना, उसका प्रति केजी नहीं दिया हमें, तो हम क्या करेंगे यहां पर, उसका प्रति केजी कितना होगा, उसका प्रति केजी होगा एक्स रुपये प्रति केजी उसका मूल्य है, है ना, तो तब जाके 153 प्रति केजी हमारा जो नई चाय है उसका मूल्य आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, एक किलो ये चाय लेंगे, ये वाली एक किलो, ये वाली चाय लेंगे और दो किलो ये लेंगे, क्योंकि ये दो दो के अनुपात में है, तो दो किलो ये लेंगे, है ना, ये एक किलो और दो किलो के अनुपात में मिलाई गई। देखो हमें बोला है कि इस प्रकार क्या है, एक अनुपात दो के अनुपात में मिला गया है इनको, इस अनुपात में एक किलो दो किलो, या फिर दो किलो चार किलो, है ना, समझ गए, अनुपात का मतलब क्या, मिनिमम वैल्यू। तो भाई एक किलो इसको ले लेंगे तो 126 रुपये, प्लस का एक किलो इसको लेंगे तो इसका 135 रुपये, और इसको दो किलो लेंगे तो इसका 200 रुपये,
एक्स रुपया प्रति किलोग्राम है, तो 2 किलो लेंगे तो 2x kg होगा, और टोटल जो है 153 kg × 4 होगा। क्यों होगा 153 × 4? या तो पूरे के बटन 4 कर दो, क्योंकि 2 × 1 और 1 कितना हो गए, 4 किलो हम ले रहे हैं भाई, तो 4 के आते इसमें भाग दे दो, या फिर इनका टोटल इन्होंने रेशियो क्या जो 153 प्रति केजी में आना है, भाई 4 किलो हम ले रहे हैं, तो ये तो 1 किलो का मूल्य है, तो 4 किलो का कितना होगा, इसके बराबर ही तो होगा भाई, जो मिश्रण है वो इन सबको मिला के। भाई आपको अगर दे दिया गया कि 1 80 रुपए की चाहिए, 1 70 रुपए की चाहिए, 1 90 रुपए की चाहिए और 100 रुपए की चाहिए, 4 चाय को या फिर 3 चाय को आपने मिलाया, और उसको आपको कितने रुपए में बेचना, भाई कितने रुपए में बेचोगे, आपको लाभ की नहीं बोला आपने, इनको मिश्रण को मिला के और आप कितने रुपए में बेचोगे, भाई 90, 80 और 70 कितना होगा, 240 रुपये होगा, है ना, तो 3 kg हो गई 240, तो 1 kg कितना होगा, 80 रुपये हम बेचेंगे कि नहीं आप, तो 80 × 3 ही तो किया हमने, तो यहाँ पर 153 × 4 ही तो किया, यहाँ पर 2 kg ले लिया ना भाई, 2 kg ले लिया, तो 135 और 126 जोड़ लेंगे, है ना, और इसका भी गुणा कर दिया हमने, तो इनको उधर ले जाएंगे, तो 2x बराबर 4×5 कितना होगा, 20 kg, अरे यार 4 × 12 का 2 हासिल आया, 1 × 4 = 20 और 1 = 21 का 1 हासिल आया, 2 और 4 हो तो 6 × 6 = 12 हो गया, और माइनस का 5 × 6 = 11 का 1 हासिल आया, 1 × 3 और 2 = 5 और 1 = 6, 1 और 1 = 2, 261 को इसमें माइनस करेंगे, x बराबर 2x है अभी, है ना, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 11 में से 6 गया तो 5 बचा, और 6 में से 3 गया तो 351/2 कर लेंगे इसको, 2 से भाग दिया तो 2 × 1 = 2 = 15, 2 × 7 = 14, 1 × 11 = 2.10 पॉइंट का 5 रुपये प्रति केजी, इसका मूल्य भाई तीसरी चाय का मूल्य है 175 किलोग्राम, 175 रुपये प्रति केजी तीसरी चाय का मूल्य, भूलना मत, है ना, भूलो मत इन चीजों को, है ना, आज का हमारा लास्ट वीडियो है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। एक कार और एक रेलगाड़ी की गति का अनुपात बहुत सिंपल है भाई, आपको ना पेन उठाना है ना कॉपी उठानी, दिमाग में हो जाएगा, है ना, एक कार और एक रेल की गति का अनुपात 15:22 है, 15:22 है कार और रेल की गति का अनुपात, है ना, ये कह रहा हमसे क्वेश्चन में कि यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, अगर रेल की गति जो है इससे 35 किलोमीटर प्रति घंटा आगे हो, यानी तेज हो, है ना, तो कार की गति कितनी भाई, कार की गति कितनी है, तो ये इससे कितनी ज्यादा है भाई, 7 ज्यादा है अनुपात में, है ना, तो 7 का इसमें भाग देने के तो हम 1 का हमें निकल आया 1 का मान, भाई इसमें x का और x का तो गुणा करेंगे ना, तो 7x होगा कि नहीं, 7x बराबर 35, तो x बराबर 5, x का मान निकल आया, x का मान भाई 5 आया है, तो 15×5 = 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से नहीं चल रही है, 22×5 कितना होगा, 110 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से नहीं चल रही, 110 में से 75 माइनस करोगे तो 35 नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आएगा भाई, कलम उठाई पेन उठाया नहीं, उठाने का ही नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है ना, इधर भी एक कैसे तक कर लिया, यदि P+Q का 20% बराबर P−Q का 50% हो, तो P और Q का अनुपात निकालना, आपको P अनुपात Q निकालना भाई, नहीं निकाल सकते क्या, हाँ बोलो, हाँ यस बोलो, वाई यस, यस बोलो कि भाई निकाल सकते, तो इसका 20% इसके 50% के बराबर है, तो तुम्हारा भाई निकालेगा P+Q का 20% निकाला, फिर हमने P−Q का 50% निकाला, निकाला भाई, 100 से तो 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, इनका अंदर गुणा करो, इनका अंदर गुणा करो, तो 2P+2Q = 5P−5Q आ गया भाई, इसको ये प्लस का है तो उसको उधर ले जाओ, वो माइनस का उसको इधर ले आओ, क्या करने का, 5 इधर 2 आया तो ये कितना हो गया, 7Q हो गया, वो प्लस का हुआ, 2 उधर गया तो 5 में से 2 गया, 3P बचा, पी क्यों का अनुपात निकालना है, तो भाई 3 को इधर ला, क्यू को उधर ले जाओ, तो 7/3 बराबर P/Q, पी क्यू का निकालना है तो 7/3 आया, क्यू पी का निकालेंगे 3/7 आएगा, ये हमारा आंसर हो गया और राइट आंसर हो गया। अब दोस्तों आई होप कि आपको सारी क्लासेज, ये हमारी 8वीं क्लास थी,
फर्स्ट क्लास से लेके एट्थ क्लास तक सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपने किसी ने मुझे ना तो डाउट का कमेंट किया ना क्वेश्चन का आंसर कमेंट किया। भाई तुम्हारा भाई इतनी मेहनत कर रहा है तो कम से कम कमेंट तो कर ही दिया करो, भले ही से सब्सक्राइब मत करो चैनल को, भले ही कुछ नहीं, आपने आज वीडियो देखा, भले रेगुलर नहीं हो, आपने आज वीडियो देखा, कहीं भी कभी भी देखा हो, भाई धीरे से उसको वीडियो को वहां पर बंद करो मैंने जो क्वेश्चन पूछा, और कमेंट कर दो भाई कमेंट सेक्शन में कि भाई इसका आंसर दो आ रहा है, इसका फला फला आ रहा है। भाई आपका नाम बताऊंगा मैं, तो आपका नाम बताऊंगा कि भाई हमारे इस बंदे ने आपके जो वहां पर चैनल का नाम आएगा, आप जिस नाम से कमेंट करोगे मैं आपको बताऊंगा इस बंदे ने मुझे कमेंट करके ये आंसर बताया। 10 बंदे रहेंगे तो वहां पर से रेंडम वहां पर से किसी का नाम उठाऊंगा मैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर 10 लोग 50 लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो तो 1-10 लोग मेरा कमेंट कर रहे हैं ताकि वो मुझसे जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए और अच्छी अच्छी चीजें लाऊंगा मैं, वैसे भी लाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। तो दोस्तों कमेंट किया करो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इधर लाल बटन है उसको क्लिक कर दो तो वो लाल नहीं रहेगी, क्योंकि लाल जो रहता है वो खतरे का निशान रहता है, तो उसको लाल मत रहने दो, और बेल आइकन को दबा दो ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और आज मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूं, एक स्टोरी है, एक सक्सेस स्टोरी है किसी बंदे की, किसी महान व्यक्ति की, वो वीडियो जरूर देखना भाई, आपको उससे मोटिवेशन मिलेगा। कभी कभी क्या रहता है हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।